वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आज देहरादून रिस्पना स्थित मीनाक्षी गार्डन में भाजपा सेवानिवृत्ति कर्मचारी प्रकोष्ठ उत्तराखंड द्वारा आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह और राज्यमंत्री विनय रुहेला भी उपस्थित रहे। चमत्कारी व्यक्तित्व कर रहा है जिसने विश्व के भारत के मान को ऊंचा किया। आज पूरा देश मोदीमय है और आज उत्तराखंड से तो मोदी जी का विशेष लगाव। उन्हें बाबा केदार की भक्ति से कहा था कि आने वाला सुख उत्तराखंड का होगा और लगातार उत्तराखंड को उनका विशेष आशीर्वाद मिल रहा है। आज उद्योगपुर से उन्हें चुनावी शंखनाद किया है और जहाँ जहाँ भी हम सभाओं में जा रहे हैं वो जो दृश्य दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों सीटें दुगने अंतर से जीतने वाली है। जो 400 प्लस का नारा मोदी ने दिया वो साकार होने जा रहा है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है। ये दृश्य मुझे